सिलेंसर हमारी पर यहाँ बनाने में नहीं जंगलात वाले देते। अच्छा। बना भी नहीं। जैसे आज गर्मियों में तो कम समस्या आती है, सर्दियों में भी कम आती है, साफ होता ना जंगल। हाँ। और बरसात में क्या बता मरो, क्या देख रहा, क्या हमारे नजीक क्या बता क्या क्या है। हाँ, ऐसे जंगल। हाँ। पीने वाले इतने आते हैं, बहुत आते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, पता है कितनी बड़ी समस्या ही है। आप बोलोगे कौन बनाया कौन बनाया, आपके पास आए थे खाने से पहले शौचालय की सुविधा होनी चाहिए। दर्द लगता है कि यार ये महिलाएं जो है ना कहाँ जाती होंगी। नाल गया रल मिट्टी दा सरमूह नन प्यार। किसी ने सरकार ने दे रखे को अपने पैसे बना रखे। हाँ, तो बहन जैसे वो बहन बता रही कि वहाँ पे तो शौचालय है रहने के समय, लेकिन आपको समस्या आती होगी नहीं यहाँ पे। समस्या तो हमारी पर यहाँ कौन बनाने में नहीं, जंगलात वाले देते। अच्छा। बना भी नहीं सकते। जैसे कोई कच्चा बच्चा करके बना दे कच्चा। हाँ हाँ, कच्चा कुच्चा तो बना लेते, पर उसे अभी बनाया नहीं हमने, नहीं बना सकते। सब चीजों में से जैसे जैसे गड्ढा खोदा, ठीक है, चाहे आदमी क्यों ना हो, लड़के लड़कियां सबके बराबरी तो है, सबके लिए समस्या भाई। और तो क्या बोलना स्पेशल, वैसे जंगल है पर इससे बोलो ना, जैसे गड्ढा खोदा हल्का सा और कच्ची सीट लगा दी उस पर, ठीक है, ऊपर से ऐसे थोड़ा सा छप्पर छप्पर डाल, जैसे आपने छप्पर बना रखा। हाँ। इस तरह से तो आपके लिए अच्छा हो सकता है ना, ऐसा करके ऐसा करे कोई जो। हाँ, नहीं, को करे थे, तो अगर माने कोई करे थे, मना कर देंगे क्या पे वो जंगलात वाले, कच्चा बनाएंगे अगर ना, कच्चा तो क्या मना करेगा, कच्चा तो हमने तोड़ेगा, हमारी जोड़ी तोड़ेगा उसको भी तोड़ देंगे, इतनी बात है। वही बोल रहा ना, कच्चे में तो मना नहीं करेंगे ना, कच्चे में क्या मना करेगा। तो आपको दिक्कतें क्या आती है, जैसे आप माना सुबह शाम आपको, क्योंकि इंसान का नेचर है भैया। हाँ, हाँ, वो तो खाना जाना है। हाँ। तो यहाँ पे क्या समस्या आती है आपको, जैसे ऐसे समस्या तो जैसे आज गर्मियों में तो कम समस्या आती है, सर्दियों में भी कम आती है, साफ होता ना जंगल। हाँ। और बरसात में जंगल गंदा हो जाता ना। अच्छा। हाँ, कबाड़ हो जाता है, झाड़ी हो जाती है, ऐसे जाने में दिक्कत होती है बरसात में ना, जैसे बारिश में चिक्कड़ हो जाता है। हाँ। जैसे दिक्कत तो होती है जाने के लिए। हाँ। फिर जाना तो पड़ना ही। औरतों को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि औरतों की आप जानते हो इतने केस होते हैं। हाँ। कि जंगल में गए और कुछ हरकत हो गई। हाँ। मतलब कई बार लोग इतने हद तक गुजर जाते हैं कि मार तक देते हैं छोटी छोटी बच्चियों को। हाँ, चलो आप तो बड़े हो, एडल्ट मतलब वयस्क हो आप, बड़ी औरत हो आप। हाँ, आप छोटे छोटे बच्चे आपकी लड़कियां हैं, जंगल में जा रखे, जंगल में पता नहीं कौन है, इतने लोग बैठे रहते हैं जंगल में, अरे गेरे है ना, बच्चे भी जाते जंगल में। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आपको ये नहीं लगता कि भाई कभी कुछ ऐसा कुछ हो जाए, कुछ ऐसी समस्या आ जाए, खुदा ना खास्ता वाली बात है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि आप इतने बड़े जंगल में कहीं पे आप छोटा सा कुछ बना दो और वहाँ पे जो छोटी छोटी बच्चियां हैं सब जाए वहाँ पे। सही है ना, क्या नहीं है, क्या नहीं, क्या बता मरो, क्या देखा, क्या हमारे नजीक क्या बता क्या क्या है। हाँ, ऐसा जंगल है, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं कैसा इंसान है। हाँ। अब जंगल में कई लोग घुसे रहते हैं, इंसान है जंगल में, रोड नजीक है। हाँ। रेल की ट्रेस नजीक है, डरी डर आते ऊपर, बहुत दुनिया आते इस घाट के ऊपर नहीं। हाँ। पीने वाले इतने आते, बहुत आते, वही मैं बोल रहा हूँ, बहुत आते, छोटी छोटी बच्चियां हैं जा रही है वहाँ पे नीचे नदी के, बहुत पीने वाला आते, बहुत पीने वाले, नजीक ही नदी के, यहाँ बहुत पीने वाला आते। हाँ, तो वही पूछा था कि मतलब जैसे इनके तो बढ़िया है बेचारों का, वहाँ पे ठीक है शौचालय है, लेकिन आपको भी थोड़ा ऐसा कुछ करना चाहिए। मुझसे कुछ हो सके तो मैं इसको सोचूंगा, इस बारे में मैं दो चार लोगों से मिलूंगा इसके बारे में। आप सोच सकते, और आप सोच सकते मैं तो फिर मुझे ऐसा दर्द लगता है कि यार ये महिलाएं जो है ना कहाँ जाती होंगी, इतना आजकल जमान। आप बहन आप न्यूज तो सुनते हैं, आप कभी न्यूज समाचार सुनते हैं, कहाँ सुनते हैं आप, क्या फोन में न्यूज सुनते हैं आप, फोन फोन पे समाचार, आप तो जानते हो कि छोटे छोटे बच्चों के साथ कितना कितना क्या क्या चलता है, सारा पता है ना आपको क्या क्या होता है। और फिर इस तरह से बच्चियां जा रही हैं, इनको क्या पता, बच्चों को इनको किसने बोला कि इधर बच्चे चॉकलेट खा, इधर आ जा, चली जाएंगी छोटी बच्चियां। पहले चली थी ऐसे बच्चों को ले जाने के लिए, आ रखे के बोलो बच्चों को भुला दे, तो हमारे बच्चे तो चले जाते हैं, जैसे बुलाते चले जाओ, ऐसे कहेगा नहीं कोई, एक बच्चे ही दे रहा, चले जाते हैं हमारे बच्चे ही जो है। हाँ, चले जाते हैं ना, इतना पता नहीं क्या क्या बात है क्या। हाँ। अब लड़की है आप हो, आपको माना अभी अब इंसान का शरीर का सवाल, कभी पेट खराब हो जाता है, अभी जाना पड़े यहाँ पे तो शर्म तो आती है भैया, क्योंकि मैं एक दूसरे जनजाति के पास गया, उन्होंने बोला कि भैया हम तो शर्म ना ऐसा करना पड़ता है, नाक पे रखना पड़ता है, क्योंकि वो हैं वो बागड़ी जो रोड किनारे रहते हैं। अच्छा। तो बता रहे थे कि हम जब सड़क के पटरी के किनारे गए एक बार, तो वहाँ किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ हो गया। अच्छा। वो गई दिन के टाइम पे। अच्छा। अब जमाना जैसे भी देख लो आप जो भी है, तो उसका कुछ ऐसी हरकत हुई, तो वो फिर वो घबरा गए बहुत ज्यादा है। तो आपको, आप नए जमाने की हो, छोटी हो आप, ज्यादा बड़ी भी नहीं हो, तो आपके मन में विचार नहीं आया बहन कभी कि यार हम ऐसा कुछ छोटा मोटा कुछ कर लें? नहीं, विचार आता ना, ऐसे विचार आता ना, हमारे को पहले भी जंगलात वाले तंग कर रहे थे। हाँ। निकलो आप लोग, तुम्हारी झोपड़ी तोड़ देंगे, तुमको हम रहने नहीं देंगे यहाँ,
और फिर हम क्या करते थे, जिस भी हमने सोचा यहाँ जंगलात वाले रहने नहीं देंगे तो हम क्या फायदा उठा के, जो तो जमीन हो चाहे ठिकाना हो अपना, फिर तो आदमी सब काम कर लेता। जब गेंडी खाते में वहां से जमीन दे रखी सरकार ने, और अपना सब लोगों ने बढ़िया वसीला बना रखा, मकान भी डाल रखा है। अच्छा, वहाँ गुजर पास मकान है, मकान है बहुत के पास, जो गरीब है उनके पास नहीं, बहुत के पास मकान अच्छे, जो लोग स्कूल वाले बना रखा है, मदरसा और सारे वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे आपका बढ़िया सिस्टम है, बढ़िया सिस्टम मेन शौचालय आपके लिए, ये भी बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मेरे भाई की उसका बढ़िया डाल रखा उसने, तीन डाल, अब मेरे भाई मकान डाल रहा है, मकान डाल रहा है, शौचालय भी है उनके, सब कुछ है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं इसलिए बोला था ना कि अगर यहाँ पे थोड़ा कच्चा बना दिया जाए, जब आपने इतना कुछ बनाए रखा है यहाँ पे, तो थोड़ा दिवाली तो खड़ी करनी है मिट्टी की, ऊपर छप्पर डालना है और एक सीट लानी है। सीट होती ना कितने की आती है, मुझे लगता है 1000-1200 की आएगी, 2000 की आएगी, एक अंदाजन से बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये काम आप खुद भी कर सकते हो, ऐसे मतलब अच्छा कमा रहे हो आप, ऐसा नहीं कि अब वो समस्या आपकी, पर ये आपके दिमाग में कभी थॉट मतलब विचार कभी आया नहीं? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इतनी महिलाएं यहाँ पे हैं, इतनी महिलाएं यहाँ पे हैं, इतनी औरतें यहाँ पे, आपके विचार में कभी आया है? बहनों ने, लड़कों ने, लड़कियों ने कभी सोचा कि ऐसा कुछ करें हम यहाँ पे? सोच लेती, सोचने में क्या है, सोच 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 रखे, बनाने वाला दिक्कत है ना, बनाने की दिक्कत है ना, कौन बनाए, सोचते हैं यहाँ से लोग, कौन पता है कितनी बड़ी समस्या ये, आप बोलोगे कौन बनाए, कौन बनाए, आपके पास जाएगी खाने से पहले शौचालय की सुविधा होनी चाहिए, सही बात है, आपके पास जाएगी, इस वजह से सबसे बड़ी है, उससे भी बीमारी फैलती है, कोई कहीं पे कर रहा है, कोई कहीं पे कर रहा है, कोई कहीं पे कर रहा है, बीमारी में मक्खी आ गई, वहाँ से उड़ती उड़ती मक्खी आपके खाने में बैठ गई, ले आई वहाँ से बैक्टीरिया वायरस, पड़ गए बीमार, इसकी काफी सारी वो ये नहीं खाली की वो ये की शर्म ही नहीं है, बीमारियां भी बहुत होती हैं इससे, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो, है ना। तो हो सके तो मैं प्रयास करूँ इसके लिए, अगर मेरे साथ कुछ लोग और मिले, मेरे दिमाग में ये विचार था ऐसा कुछ करने के लिए, महिलाओं के लिए, औरतों के लिए, यहाँ पे जो भी जनजाति हैं, अब जो सड़क किनारे उनके तो क्या ही करना। वैसे एक 1 2 3 स्टार्ट, आप अलैदा हो बत जोड़ बदन सार, मिट्टी नाल गए रल मिट्टी दसरमुनन प्यार, ये तक तक जोड़ा पाइया वाला तेरो रोदन जी, अज होंदा पाइए मेरा तेरा, तो मैं यही बोला था कि लड़कियां छोटी छोटी बच्चियां आपकी हैं, तो उनका आप थोड़ा उनके लिए, उनके लिए आपको बनाना चाहिए, है ना। ये जिम्मेदारी आपके शौहर की है, आपके भाइयों की है, आपकी तो है ही, उनकी भी जिम्मेदारी कि हमारी पत्नियां, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां कहाँ जा रही हैं, है इस माहौल में, इस जमाने में कुछ भी हादसा हो सकता है, उस पर आपको विचार जरूर करना चाहिए, ये बात है ना। पता नहीं कब मुलाकात होती है आपसे। वैसे बताओ आपकी शक्ल एक जैसी लगती है, बताएं, बहने बहने लगती है आप, बहने बहने भी कुछ ऐसा होता है रिलेशन आपका, कुछ दूर से कुछ नहीं है ना, आपके बहन खास रिश्ते में शादी नहीं करते ना, दूसरे जाति में करते, जैसे काफी मुसलमान जो होते हैं वो करते हैं, इनकी जात दूसरी है, उम्र जात दूसरी है। हाँ, ये तो गुज्जर है, गुज्जर मतलब गुज्जर, तो आप भी हो, आपकी कसानी है आप, कासी ये आपके भाई है, हाँ मैं समझ गया, कासी, हाँ उन्होंने बताया था पिछली बार में आया था कि मैं कसानी हूँ और ये जो है काल, दो भाई चार बहने, दो भाई चार बहने, दो भाई, दूसरा भाई, अच्छा वो उधर है उनका भाई ना, जो जिनसे मिला था मैं, और बहने कहाँ रहती है, दो दम गंडी खाते में, अच्छा एक तो नहीं कहना यहाँ रस्सी के इस पार करके, जो हमारी फैमिली है ना, मेरी फैमिली ना, जो हमारे घर के परिवार है ना, अच्छा अच्छा, उन्होंने तो गेंडी खाते भी रह रखी है, एक भाभी हमारी मारे थी, मतलब इनकी भैंस है वो, आप इनकी बहन, आपकी भाभी एक, हाँ सबकी भाभी है हमारी, अच्छा, और आप यहाँ रखे, हाँ ऐसा रखा हमारे यहाँ संता होता है, संता रखा आपका, मेरे एक चाचे की लड़की है ना, जो अफ्रीका, हाँ ये ऊपर, हाँ अफ्रीका, इसकी बहन है, इसकी बहन है, वो भी मेरे भाई के, और जो इसकी बहन है वो भी मेरे भाई की, दो बहन जवान जवान थे और दो छोटी दीदी, अच्छा ऐसी मेरी लड़की छोटी वाली, ऐसी दीदी मैं जवान थी, अच्छा ऐसे चलते थे गुजरों में, जो जवान होती है उसके बदले में दो छोटे देते थे, अच्छा हाँ ये सिस्टम है, अब दोनों मेरे भाई, दोनों सबको भाइयों का मेरे, अच्छा अच्छा अच्छा, पांच बच्चे इसके, चार मेरी बहन के और रखे, एक उसके और रखे, चाचे की लड़की, अच्छा अच्छा अच्छा।
ये बात है सही है। तो आप जैसे गैंडी खेता में और लोग भी जा सकते हैं, ये जा सकते हैं वहाँ पे सब जा सकते, तो इनको मिल जाएगा मकान वहाँ पे, इनको मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, सरकार ने नहीं मकान दिया। अच्छा, मकान तो आप तरफ से डाल रहे हो, तो जमीन किसकी थी? जमीन सरकार ने दे रखी, सरकार तो सरकार तो जमीन तो मिल जाएगी कम से कम आपको, मिलेगी वही तो बात है ना, हमको मिलनी नहीं रही, जमीन 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 कहाँ दी है, यहाँ नहीं वहाँ तो दी ना गेंडी खेता में, परिवार को 10 बीघा देते हैं, जैसे सब कुछ है, हाथी बहुत है, बहुत हाथी यहाँ तो, हाथी का ये पार्क है पूरा, ये हाथी तो हमारे छप्पर में कई बार आ गए, हाँ तो भगा दे भग जाता हो ना, कई बार आया, 3 दिन हमले करते हमारे घर में, ये हमारे घर है पापा का, इसमें मैं आया एक बार, अच्छा एक बार जो वैसे उदाहरण देते हैं यहीं से गाठी चढ़ी चढ़ गए ऊपर, अच्छा वाह यार रिस्क है, पर ये चीज आप लोग सब ग्रुप में यहाँ पे तो रहते हो ना, इतना खतरा नहीं है। तो फ्रेंड जैसे आपने देखा मैं यहाँ पे दोनों बहनों से मिला, और यहाँ पे जो मुझे समस्या लगी इनकी वही थी कि यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ पे हुए हैं, बच्चे देख रहे हो आप, और यहाँ पे टॉयलेट की सुविधा कुछ नहीं है, तो मैंने इनको बोला कि आप इस तरह से कुछ प्रयास करिए, हो सके तो मेरे से कुछ प्रयास अगर हो पाए तो मैं भी इनके लिए करूंगा, जैसे आजकल बाहर टॉयलेट करके आते हैं वो भी लग सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये जंगलात की जमीन है, तो आई होप कि इनके लिए कुछ फ्रूटफुल हो पाए, तो अगर आप भी इस प्रक्रिया में मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पर, और मेल आईडी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं अगर आप थोड़ा हाथ बढ़ाना चाहें तो, और इनकी मदद हो पाएगी। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको मेरे ये आज का ब्लॉग, अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ दोस्तों काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि हम इनकी मदद करना चाहते हैं, हम इनकी मदद करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स मैं खाली आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस भाई का इस वीडियो को शेयर करते हैं तो भाई ये बहुत बड़ी मदद होगी, आप बस मेरी खाली एक ही मदद करिए कि मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, और मुझे इस लायक बना दीजिए कि जैसे हज़ारों लोगों की अरमान पूरी कर पाऊँ, उनकी ज़रूरतें पूरी कर पाऊँ, अब वो होगा सिर्फ और सिर्फ जब आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको मेरी आज का ब्लॉग, अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने इस पहाड़ी भाई यानी कि राजगौरव गरला भाई को प्लीज़ सपोर्ट करें, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता की, जय देवभूमि और भारत माता की जय।